दोस्तों दुनिया में हर देश की अपनी एक करेंसी होती है, जैसे कि अमेरिका में डॉलर चलता है और अपने भारत में रुपए होती है। दोस्तों लगभग एक डॉलर की कीमत हमारे भारत में 68 रुपए है, जो कि कम या ज्यादा होते रहती है। दोस्तों किसी देश के करेंसी की कीमत कम होती है तो किसी देश की करेंसी की कीमत ज्यादा होती है। कहा जाता है कि डॉलर और पाउंड की कीमत अन्य करेंसी की कीमत से अधिक होती है। लेकिन दोस्तों हम आपको एक ऐसे ही करेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे शायद ही कोई नहीं जानता होगा, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और तहलका मचा रहा है, जिसका नाम है दोस्तों बिटकॉइन। तो आइए जानते हैं। दोस्तों हमने आपको बताया कि हर देश की अपनी एक करेंसी होती है, लेकिन दोस्तों बिटकॉइन किसी एक देश की करेंसी नहीं है, यह इंटरनेट की दुनिया की करेंसी है। जैसे हम किसी दूसरे को ATM के जरिए पैसे भेजते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते, जी हाँ दोस्तों वैसे ही बिटकॉइन एक वर्चुअल मुद्रा है जो सामान्य मुद्रा जैसे रुपए, डॉलर, पाउंड के बिल्कुल अलग है। दोस्तों हम सामान्य मुद्रा को हम तो छू सकते हैं, देख सकते हैं और जेब में रख सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन को हम ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों इस मुद्रा को हम केवल ऑनलाइन लेन देन में ही उपयोग कर सकते हैं और ऑनलाइन वॉलेट में ही इसे स्टोर करके रख सकते हैं। बिटकॉइन को हम डिजिटल वर्चुअल करेंसी भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों आखिर ये करेंसी आया कहाँ से, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इस बिटकॉइन का आविष्कार सातोशी नाकामोतो ने 3 जनवरी सन 2009 में किया था, लेकिन अभी भी यह किसी को नहीं पता कि सातोशी नाकामोतो कोई रियल इंसान है या कोई कंपनी, यह अभी भी एक रहस्यमय बना हुआ है। दोस्तों बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, यानी कि बिटकॉइन पर किसी भी सरकार या किसी बैंक का इस पर अधिकार नहीं है। दोस्तों जिस तरह से इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, ठीक उसी तरह बिटकॉइन का कोई मालिक नहीं है। बिटकॉइन P2P नेटवर्क बेस्ड पर कार्य करता है, जिसके वजह से बिना किसी माध्यम से सीधे ही बिटकॉइन यूजर के मध्य लेन देन हो जाता है। दोस्तों क्या आपको ये पता है कि क्रिप्टो करेंसी भी दो तरह की होती है, एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और एक पब्लिक क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों इन क्रिप्टो करेंसी ने पूरे दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इन दोनों क्रिप्टो करेंसी में आखिर अंतर क्या होता है। दोस्तों पब्लिक क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिनके ट्रांजेक्शन एक दूसरे से लिंक होते हैं। पब्लिक क्रिप्टो करेंसी में यह पता किया जा सकता है कि करेंसी किस किस व्यक्ति के पास से गुजरी है, लेकिन दोस्तों वही प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के लेन देन की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। लेन देन के मामले में प्राइवेट कॉइन ज्यादा निजी और गोपनीय होते हैं। दोस्तों बिटकॉइन, ईथर, XRP, कार्डोनो और टेलर से लेकर तमाम बड़ी क्रिप्टो करेंसी पब्लिक करेंसी है, इन्हें ट्रेस किया जा सकता है, जबकि मोनारो, डैश, जेट कैश, वर्ज आदि प्राइवेट कॉइन है या क्रिप्टो करेंसी है जिन्हें ट्रेस करना लगभग नामुमकिन है।